टेस्टी फूड ऑफ इंडिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही वंडरफुल एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेसिपी। ये रेसिपी है कुल्की शरबत। ये केरला की बहुत ही फेमस ड्रिंक है और बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी होता है ये ड्रिंक। चलो बनाना शुरू करते हैं कुल्की शरबत। कुल्की शरबत के लिए मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। 2 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, 1 नींबू लिया है, 3 टेबल स्पून शुगर, 2 ग्रीन चिली, 1 टीस्पून सब्जा के बीज, 1/4 स्पून सॉल्ट। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम सब्जा के बीज को भिगो लेंगे 4-5 टेबल स्पून पानी डालना है हमें। फिर इसे 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से भीग जाएगा। जब तक हम शरबत बनाना शुरू कर लेते हैं साइड में। अब मैं नींबू को कट कर लेती हूँ। इस तरह से स्लाइस करनी है हमें। नींबू कट हो गया है। अब मैं ग्रीन चिली को भी कट कर लेती हूँ। हमें बीच में से एक चीरा लगाना है बस इस तरह से, ताकि शरबत में थोड़ा सा तीखा फ्लेवर भी आएगा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन। ये शरबत बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह से दोनों कट कर ले हैं। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं शरबत बनाती हूँ तो मैंने एक ग्लास लिया। ग्लास में हम नींबू डाल देंगे, शुगर, 2 टेबलस्पून शुगर लूंगी मैं, आप मीठा आपके इच्छा के अनुसार डालिएगा, थोड़ा सी नमक, थोड़ा सी नींबू शरबत डालूंगी 1 स्पून जितना, पानी डाल देती हूँ। बर्फ, आइस और ग्रीन चिली। 5 मिनट में सब्जा भी बहुत अच्छी तरह से भीग गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून सब्जा। अब इसे एक ग्लास रखकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। शरबत बनकर रेडी हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये कुल्की शरबत कितना अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी और बहुत ही रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप भी बनाइए कुल्की शरबत, एंजॉय कीजिए और आपका अनुभव मेरा चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया में कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।